नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा का पेपर किस प्रकार का आएगा, बोर्ड परीक्षा 2022 में विषय गणित के इस बार क्या क्या परिवर्तन हुआ है उन हम बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो इसमें परिवर्तन है, इस बार जो परीक्षा का टाइम है 2 घंटे 45 मिनट है। जैसे कि आप जानते हो कि हर बार बोर्ड परीक्षा का टाइम 3 घंटे 15 मिनट होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सिलेबस रिड्यूस करने के कारण, सिलेबस कम करने के कारण बोर्ड परीक्षा का टाइम भी इस बार 2 घंटे 45 मिनट कर दिया गया है। इस बार बोर्ड एग्जाम में कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी, विषय गणित में कुल 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न किस प्रकार के आएंगे इसके बारे में हम देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे, 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 12 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान पूर्ति, पहली बार इस बार रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न जोड़े गए हैं बोर्ड परीक्षा में। पहले कभी किसी एग्जाम में बोर्ड ये रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न नहीं आते थे, तो रिक्त स्थान पूर्ति के 6 प्रश्न आएंगे जिनमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और कुल 6 अंक का होगा। अति लघु उत्तरात्मक या 1 वर्ड, जिसका आपको 1 शब्द में या 1 पंक्ति में उत्तर देना है, उन प्रश्नों की संख्या 12 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है तो कुल 12 अंक होंगे। या 30 प्रश्न होंगे, कुल 30 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे और कुल 30 नंबर आएंगे। इसके बाद है लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक 2 या 3 पंक्ति में आपको आंसर देना है। कुल 13 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कुल 26 अंक लघु उत्तरात्मक के हैं। दीर्घ उत्तरात्मक कुल 4 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और कुल 12 अंक होंगे दीर्घ उत्तरात्मक के। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न, इस बार निबंधात्मक प्रश्नों में बोर्ड ने कटौती कर दी। हर परीक्षा में 6 निबंधात्मक प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षा में केवल 3 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, कुल 12 अंक के निबंधात्मक प्रश्न है। इस प्रकार कुल प्रश्न आएंगे 50 और कुल अंक हो गए 80। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो सिलेबस कटौती कर दी गई है, उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है गणित विषय का, तो प्रत्येक प्रश्नावली कितने नंबर की है, इस प्रश्नावली में से 1 नंबर के कितने आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, 3 नंबर के कितने आएंगे, वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्नावली में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पहली प्रश्नावली है संबंध और फलन, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, कुल 5 नंबर की प्रश्नावली है और प्रश्न कुल आएंगे 4 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। दूसरी प्रश्नावली है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन, 1 नंबर का 3 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, कुल 6 नंबर। ये स्टार लगाया है, स्टार का मतलब ये है कि इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस मतलब इसमें 2 प्रश्न आएंगे आपको 3-3 नंबर के और 1 करना होगा, अथवा में 2 प्रश्न आएंगे। इसके बाद है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में 1-1 नंबर के 4 प्रश्न, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, कुल 8 नंबर की प्रश्नावली है। सारणी 1-1 नंबर के 3 प्रश्न, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, ये प्रश्नावली कुल 7 नंबर की है। सातत्य और अंतुल्यता, कंटिन्यूटी या डिफ्रेंशिएबिलिटी, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न, इसमें भी आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा, इंटरनल चॉइस, 2 में से 1 प्रश्न करना है, कुल 11 नंबर की प्रश्नावली है। सबसे महत्वपूर्ण है समाकलन, सबसे ज्यादा नंबर की प्रश्नावली है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 1-1 नंबर के 3, 2-2 नंबर के 2, 1-3 नंबर का, 1-4 नंबर का, कुल 7 प्रश्न इसमें से आ रहे हैं, 14 नंबर की ये प्रश्नावली है। स्टार का मतलब वही है कि आंतरिक विकल्प इसमें होगा। इसके बाद है अवकल समीकरण, 9वीं प्रश्नावली है डिफरेंशियल इक्वेशन, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 1 प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का। सदिश 5 प्रश्न 1-1 नंबर के, सबसे ज्यादा 1-1 नंबर के 5 प्रश्न इसमें से आएंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का और 1-3 नंबर का, जिसमें आपको आंतरिक विकल्प होगा और कुल यह प्रश्नावली है 10 नंबर की। इसके बाद अंतिम जो चैप्टर है प्रायिकता, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न 4 नंबर का, इसमें भी हमें आंतरिक विकल्प दिया होगा। 1-1 नंबर के कुल 30 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के कुल 13 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न होंगे और 4-4 नंबर के 3, कुल 80 नंबर का पेपर है। कुल 80 नंबर का पेपर, 50 क्वेश्चन
और समय होगा 2 घंटे 45 मिनट। सभी विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।